पलामू जिले के हैदरनगर प्रखंड अंतर्गत जिन बाबा से सिग्ना गांव तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से मनीषा कंस्ट्रक्शन द्वारा सड़क का निर्माण किया जा रहा है, वहीं ग्रामीणों ने निर्माण कर रहे संवेदक पर सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर सड़क निर्माण किए जाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि अनियमितता को ताक पर रखकर सड़क निर्माण की जा रही है। वहीं लोगों ने बताया कि कई बार ग्रामीणों के द्वारा ठेकेदार को बोला गया कि अच्छे मटेरियल का उपयोग करे, पर ग्रामीणों की बातों को अनदेखा कर सड़क का घटिया निर्माण की जा रही है। समस्या ये है कि सर, ये मेरा गांव का रोड बन रहा है, इसमें एकदम घटिया माल यूज हो रहा है। बालू के नाम पर मोरन से काम किया जा रहा है, कल बन रहा है और आज तुरंत देख रहे हैं रोड फट रहा है, टूट जा रहा है बीच में। इसका कई जगह कई मरतबा बोला गया, सभी लोगों से मुंशी मैनेजर बोलता है, किसी को ऑब्जेक्शन करने से जो सुपरवाइजर वो बोलता है कि जो है वही चलेगा, जा जो करना कर लो। यहाँ तक के इस चीज़ का खबर जो मैनेजर है उनको भी दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन दे करके रह जाते हैं कि हम आ रहे हैं, इंजीनियर को लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं। कई दिनों से उनसे बोला जा रहा, आए नहीं, और सुपरवाइजर मनमानी कर रहा। अब किसके हुक्म से ऐसा कर रहा, किसके हुक्म से कर रहा वो ये भी नहीं बता रहा, लेकिन ये घटिया मटेरियल है, मालू के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मोरन है, इससे काम खराब हो रहा है, रोड खराब हो रहा, कल बन रहा आज टूट जा रहा। हम लोग का सिर्फ मेन समस्या ही है, सड़क में एकदम अनियमितता बढ़ती जा रही है, ना तो इसका सोलिंग ठीक से हुआ है, ना ये रोड को उखाड़ा गया है, और बालू की क्वालिटी और चिप्स की क्वालिटी एकदम घटिया है, समझे। चिप्स में आधा से ज़्यादा मिट्टी मिला हुआ है, जो आप लोग अभी देखे भी हैं और सब लोग यहाँ जनता देख रही है। ये जो आरोप लगाया गया है बिल्कुल ठीक आरोप है। पहले हम भी मनीषा कंपनी के जो कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर हैं उनको फ़ोन करके बोले थे कि घटिया मटेरियल से ढलाई हो रहा है जी, इसको आप नहीं लगाइए। तो लगता है कि एक दो रोज थोड़ा सा बर्दाश्त किए इसको, उसके बाद फिर उसी मटेरियल से ढलने लगी। बालू हो या छर्री हो, जो भी हो, इनका बिल्कुल घटिया है। इसमें हमको लगता है कि लगभग आधा से अधिक मिट्टी का अंश है, जिससे ये रोड जगह जगह पर क्रैक कर रहा है। उसका वीडियो भी हम बना के रखे हैं, और इनके कंपनी के जो इंजीनियर हैं, नहीं सरकार का जो इंजीनियर हैं, उनको मैं फ़ोन किया था, लेकिन वो लगातार इसी से काम करते जा रहे हैं। हमसे तो बोले कि नहीं लगवाएंगे अब, लेकिन पुनः आज जनता द्वारा खबर मिला कि नहीं उसी बालू को फिर लगा रहे हैं, इसलिए हम लोग इसका भरपूर विरोध करते हैं। और इतने नहीं, आखिरी दम तक इसके कार्यालय में हम लोग जाएंगे, लिखित आवेदन देंगे, नहीं अगर मानते हैं तो इसके विरोध में धरना प्रदर्शन होगा। हर हद तक हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, चूँकि जनता हमारे साथ है और जनता को अच्छा रोड चाहिए। अच्छा, लगातार इस तरह का घटिया जो मटेरियल है उसका यूज करके काम किया जा रहा है, काम को रोका नहीं जा रहा है, इसको देखिए, काम हम लोग रोकेंगे तो फिर सीधे यही होता है कि फलाने फलाने रंगबाजी टैक्स मांग रहे हैं। इसलिए हम लोग काम रोकने के पक्ष में नहीं थे, इस पक्ष में थे कि उनसे बातचीत करके अच्छा मटेरियल मंगवा के काम को कराते रहें। रोकने के पक्ष में हम लोग नहीं थे, लेकिन बार बार आश्वासन देते रहे और लेकिन उसी मटेरियल को पुनः लगाते रहे। तो सुपरवाइजर हैं हम, यहाँ का सुपरवाइजर हैं। बालू कहाँ से लाए हैं? ये तो आगे मतलब संजीव बाबू ऑर्डर दिए हैं, सदाम जी गिराए हैं। क्या आपको देखने से बालू सही है? बालू सही नहीं थी, इसके लिए तो रोके सर हम इसको कि नहीं चलेगा ये। आप रोके? अगला बार भी मना किया गया था, बालू नहीं चलेगा। और इन लोगों ने कब आपको मना किया गया? हम लोग मतलब पहला बार बालू गिरा उसी समय मना किए थे कि बालू ये नहीं चलेगा, लेकिन हम मना कर दिए अगला आदमी को, जो हमारा मैंने उसको बोल दिए थे नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी बालू गिर गया। और जैसे इनको बोला गया था कि अच्छा बालू गिराइए, सदाम जी बोले हम अच्छा बालू गिराएंगे, फिर भी ये गिर गया। और जैसे सड़क जो पीसी से ढलाई कर रहे हैं, हाँ पीसी से ढलाई कर रहे हैं, तो क्या उसके नीचे सोलिंग भी करना है? सोलिंग तो किए हुए हैं सर, लेकिन फेस जो बनाना, पेट पोछ करना था हमको। ग्रामीणों का कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि कहीं कहीं कीचड़ में ढाल दिया गया। नहीं सर, कीचड़ में तो नहीं, जहाँ मतलब पेट पोछ करना था पेट पोछ हम जीएसबी डाल दिए हैं पूरा। मतलब किस चीज़ से यहाँ सोलिंग करना था वहाँ पर? जीएसबी से करना था। जीएसबी मटेरियल आता है सर, उसमें मतलब डस्ट और 40 और 10 मिला रहता है, उसी से होता है। सड़क ढलाई हो रहा है, उसमें क्या दरार भी खुल रहा है?
वो दरार तो सर गैस निकलता है, वो तो धूप लगता है तो निकलेगा ही, थोड़ा बहुत हेयर करेक होता है, एक दो जगह पे हुआ है हमारा। क्या तो बालू के लिए रोका जा रहा है, बालू आउटसाइड करेंगे, अभी जेसीबी आ रहा है, जेसीबी से हटा के फेंक देंगे इसको बाहर। लेकिन इससे तो कई जगह तो काम हो चुका है ना इसी मटेरियल से, मतलब ज्यादा नहीं सर, 15-20 गाड़ी बालू, 30 गाड़ी मेरा गिरा था, उसी से जो काम हुआ उसी से नुकसान हुआ है। कौन सा कंपनी इस काम को करा रही है? मनीषा कंस्ट्रक्शन। कहाँ से कहाँ तक रोड बन रहा है? ये जीन बाबा से सिंगना तक।